हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में हम एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड बातें करेंगे। कौन सा? तो आपने यूएस में एक एक स्टॉक से बारे में बड़ा सुना होगा कि उसका नाम है गेम स्टॉप। तो उस शेयर ने क्या रैली बनाई थी, उसके बाद किस तरीके से डंप किया गया। तो इंडिया का भी एक ऐसा स्टॉक है और उससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको आगाह किया था कि आप इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। ये शेयर आपको बहुत अच्छा खासा लॉस दे के जाएगा और लोग फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। और ऐसे शेयरों में ना रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं और वो फंस के फिर फंस ही जाते हैं और अच्छा खासा पैसा गंवाते हैं। तो उस वीडियो से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे, पहले भी वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस कंपनी के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल जानेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अभी एक वीडियो बनाई है मैंने मेटल शेयर से रिलेटेड, एक शेयर है काफ़ी बेहतरीन है, डेट फ्री स्टॉक है, मॉर्गेनाइट क्रूसिबल्स कंपनी का नाम है, काफ़ी अच्छा लग भी रहा है और कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स है, पॉजिटिव भी है, तो आपको वो बताए हैं। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर कल की डेट में, यहाँ पर काफ़ी सारी तीन वीडियो मैंने आपको बताई थी कि शेयर खरीदता हूँ तो गिर जाता है, शेयर बेचता हूँ तो ऊपर भाग जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये वीडियोज जाके आप देख लीजिएगा और तो आपका अच्छा खासा पैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में। अगर बात करें हम अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज बात करें यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप मदद कर सकते हैं डेफिनेटली करिए, दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है। तो आइए जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं तो मैं आपको पहले तो बताना चाहता हूँ गेम स्टॉक। तो ये शेयर है गेम स्टॉप, जैसे कि आप यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर किस तरीके से गिर के ऊपर आया। ओके एक में हो करिए, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गेम स्टॉप ये शेयर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 जैन से ये शेयर इस तरीके से भागा। ओके फिर उसके बाद इस तरीके से गिरावट, मतलब अगर देखा जाए 18-17 USD का ये शेयर चलता था, 19-20 शेयर USD का, उसके बाद जिस तरीके की इसने रैली बनाई 347 तक कंटिन्यूसली ये शेयर भागा है। ओके उसके बाद यहाँ पर डंप किया गया है, फिर यहाँ पर देखिए फिर ऊपर भगाया गया है, फिर इसके बाद डंप किया गया है, इसकी कहानी आपने डेफिनेटली सुन रही होगी, फिर उसके बाद देखिए भगाया गया है, फिर डंप किया गया है, फिर यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो इस तरीके के शेयर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे शेयरों से हमेशा बचना चाहिए। ओके फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में पैसा लगाइए, ओके जल्दबाजी के चक्कर में स्टॉक मार्केट में मत पड़िए पैसा कमाने के, वरना आपके पैसे डेफिनेटली डूबेंगे ही डूबेंगे। अगर बात करें इंडिया का भी एक स्टॉक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% का लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लग रहा है, यहाँ पर आप देखें 5 डेज का, अगर देखें 1 मंथ का, ओके किस तरीके शेयर ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए गेम स्टॉप की तरह ही, अगर हम यहाँ पर देखे जाए गेम स्टॉप में क्या हुआ है, एक और लंबी लाइन बनी है सीधी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और 4, फिर उसके बाद जो भागा है तो ये 2500 रुपये तक 52 वीक हाई देख रही है, 2680 तक भागा है और उसके बाद से यहाँ पर लोगों, कितने लोगों यहाँ पर ट्रैप हुएंगे रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है और लोअर सर्किट से कब बाहर निकलोगे कुछ नहीं पता। अगर बात करें यहाँ के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर पहले बताना चाहता हूँ कंपनी का नाम क्या है वो भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिलीवरीज क्या होगी जब यह कंपनी शेयर लोअर सर्किट में चल रहा है। 17 रुपये का 3 नवंबर को मिल रहा था और 5 अप्रैल को 2454 रुपये का ये शेयर आता हुआ हमें दिखा है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लॉस में जाती जा रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 98% शेयर प्रमोटर्स के पास है क्योंकि मार्केट में अभी शेयर है भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर पूरी कथा क्या है इसकी, तो इस बताना चाहता हूँ ये पूरी कथा यहाँ पर आप देखें, कंपनी के शेयर होल्डर ने 99.95% शेयर गिरवी रख रखे हैं। तो यहाँ पर इस शेयर को आप डेफिनेटली ट्रैक भी करिए, इससे हमें सीखने को मिलता है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ऑर्किड फार्मा। ओके अगर इससे रिलेटेड पूरी वीडियो बनाई है क्या हुआ था, कंपनी किस तरीके से किस धानु का ग्रुप ने खरीदी थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है। 1186 पे शेयर चल रहा था,
डेली अपर सर्किट लग रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस शेयर में तो आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा, पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, वरना आपके पैसे डूबते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अपर सर्किट में चल रहा है और कितने 14 रुपये से ये शेयर सीधे भागता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो ये एक औलौता शेयर है जिसने एक साल में 38,000% के रिटर्न आपको दिए हैं और 10 साल में 547% के। तो ऐसी कंपनी से हमेशा बचा जाता है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेजिंग परसेंटेज, देखिए अभी यहाँ पर जो प्लेजिंग परसेंटेज दे रखी थी ये प्लेजिंग परसेंटेज शायद अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पर एक ग्रुप है धानु का ग्रुप, उसने यहाँ पर ये खरीद लिए है, ये पूरी कंपनी खरीद ली थी, तो यहाँ पर उन्होंने रखा है 0.04%। बाकी डेट की बात करें कंपनी का डेट भी है, मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है 7,984 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 1956 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। ओके यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लग रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, नीचे जाता हुआ परफॉर्मेंस दिख रहा है। प्रॉफिट बात करें कंपनी कंटिन्यूसली पिछले 2-3 यहाँ पर लॉस करती हुई नज़र आ रही है। इंटरेस्ट की बात करें कंपनी 13-13, 14-14 प्रॉफिट कर नहीं रही बल्कि इंटरेस्ट दिए जा रही है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेल्स क्वार्टरली 2008 के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर से किस्मत चेंज हुई है, फिर इसके बाद और गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी अभी प्रीवियस लेवल पर बिल्कुल नहीं आई है, नए ग्रुप ने खरीदा है, देखते हैं, बट अभी इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में चल रहा है। रिजर्व्स की बात करें 970 करोड़ के रिजर्व्स है, बट अगर बोरिंग की बात करें 437 करोड़ की बोरिंग है। 25 करोड़ का यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 98, यहाँ पर देखिए पहले ये कंपनी दूसरे के पास थी तो धानु का ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर्स में दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख लीजिए धानु का लेबोरेटरी लिमिटेड, तो इसने ये कंपनी खरीदती हुई नज़र आई है। कितने पूरे के पूरे शेयर यहाँ पर इसने खरीद लिए हैं, अभी खरीदे हैं। ओके 3 साल के अंदर अंदर इसे यहाँ पर OFS लाना होगा, अपने शेयर को कम करना होगा, तो OFS आता हुआ भी हमें दिखेगा। ओके कंपनी अगर परफॉर्मेंस करेगी इसे हम ट्रैक करते रहेंगे और इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, इस बार के और रिजल्ट देखेंगे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आएगी तब हम इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, वरना अभी तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। यहाँ पर पब्लिक के पास है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरे 98% शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी जो 2% के आसपास है वो DIS FIIs यहाँ पर होल्ड करता है। तो यहाँ पर लोअर सर्किट में काम चल रहा है, तो इस तरीके की कंपनी में बिल्कुल पैसा नहीं लगाते। और ये फार्मा कंपनी है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट APIs में भी ये कंपनी काम करती है, एज वेल एज यहाँ कुछ फॉर्मुलेशन R&D में भी कंपनी काम करती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम बाद में डिसीजन लेंगे, बट अभी बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मकसद था आपको अवेयर करने का कि मार्केट में इस तरीके के गेम स्टॉप क्या शेयर था उससे रिलेटेड, इंडिया में भी शेयर है और ऑपरेटर इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। छोटे शेयर 17 रुपये वाले शेयर को 2600 रुपये तक ले गए अब, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्ट डेली लगाते थे यहाँ पर ऑर्डर, और वो सबके साथ एट लास्ट फंस गए और अच्छा खासा पैसा किसने कमा लिया, अच्छा खासा पैसा कमाया है ऑपरेटर ने। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंस शेयर पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।